कोरोना इन दिनों उत्तराखंड में जोरों पर है। ऐसे में डॉक्टर के अलावा पुलिस भी हर संभव मदद के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस इस कोरोना काल में जितना हो सके लोगों की मदद कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने कोरोना काल में पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्य समेत कई मामलों पर अपनी बात रखी। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने साफ कर दिया कि अब जमाखोरों कालाबाजारी करने वालों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा और ऐसे कुकृत्य करने वालों पर NSA लगेगा। उनके अनुसार इस आपातकाल में कुछ लोग गिद्ध बन गए हैं। हम जमाखोरों कालाबाजारियों को नहीं छोड़ेंगे। उनको हमारे SP टिहरी ने एक नाम दिया है जो हमें अच्छा लगा, मिशन हौसला। तो उसी नाम को अब हम पूरे उत्तराखंड पुलिस में अडॉप्ट कर रहे हैं और जितने सारे प्रयास हैं हमारे ये मिशन हौसला के नाम से चलेंगे आज से। इसका पर्पज है कि पहले तो हम आम जनता को भी हौसला दे के रखें। आज का दौर बहुत ही खतरनाक दौर है और बड़े कठिन समय से गुजर रहे हैं हम सब, और पुलिस कर्मियों को भी हौसला बनाते रखें क्योंकि उनके परिवारों में वो तो वैक्सीनेटेड है, परिवार सारा वैक्सीनेटेड नहीं है, तो पुलिस कर्मियों के परिवारों में भी इन्फेक्शन आ रहा है, तो उनको भी हमें हौसला बनाकर रखना है, आम आदमी का भी हौसला बना के रखना है, तो इसलिए इसका नाम मिशन हौसला रखा है। तो इसका पर्पज होगा लोगों की सहायता करना, ठीक है, दवाई का मामला हो, ऑक्सीजन सिलेंडर का मामला हो, प्लाज्मा का मामला हो, हॉस्पिटल पहुंचाने का मामला हो, किसी के दाह संस्कार कराने का मामला हो, भोजन व राशन। पहले फेज में मुख्य काम भोजन और राशन था, आपको याद होगा पुलिस, अब उसको हमने मॉडिफाई करके इस पे लिया है। और इसका पहली बार की तरह इस बार थाना ही इसका नोडल होगा। थाना हौसले का पूरा हमारे 160 थानों के जो थाना प्रभारी है वो इसके नोडल सेंटर होगा, अपने अपने क्षेत्र में वो इसमें काम करेंगे। और बहुत से लोग हैं जो मदद करना चाह रहे हैं और बहुत से लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, इन दोनों को कोऑर्डिनेट करें, इन दोनों में समन्वय बैठाएँ। वो क्या रहा है कि बहुत से लोग जो है जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों ने अपने दम पे इकट्ठा किया या कहीं से 10,000 की वो सिक्योरिटी दे करके ले आए, फिर वो उसे वापस नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता मुझे दोबारा नहीं जरूरत पड़ जाए। किंतु अच्छा होगा अगर वो सिलेंडर इस भी छेलों के और काम आए, तो वो कालाबाजारी जमाखोरी ये सब रोकना है हमने, और इनका आपसी समन्वय भी कराना है जिससे जो ज़रूरतमंद है उसको समय से सहायता मिल सके। तो ये मिशन हौसला का मुख्य पर्पज होगा। और आपने अभी तक जो रिसर्च किया या समझा उसमें आप क्या अपना क्या सजेशन देंगे? देखिए ये जो दौर है, दूसरा जो फेज है, ये बहुत ज़्यादा संक्रामक है पहले फेज के बजाय। मेरे विचार में पहले फेज में ऐसे केसेस भी थे कि परिवार में कोरोना आया किंतु सबको नहीं आया, किंतु इस बार आ गया तो 100% को आना ही है, और संभावना है कि पड़ोसी को भी आ जाए। पिछली बार यंग लोगों को अफेक्ट नहीं कर रहा था, ज़्यादातर बड़े लोगों में, इस बार यंग लोग भी पकड़ रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेन है इतना तो साइंटिफिकली हेल्थ वाले ही बता सकते हैं, पर इतना ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहे हैं। तो इसलिए जो नंबर हमने उम्मीद लगाई थी कि भाई जो कर्फ्यू लगेगा तो उससे कम होंगे, कंट्रोल होंगे, तो अभी तक नहीं हो पाए हैं। तो ज़रूर वही यही कह सकते हैं भाई, संक्रमण की दर बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं ये भी है, मैं लोगों से भी अपील करूँगा कि इसके बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद, इतने ज़्यादा डेथ रेट होने के बावजूद भी लोग, कुछ लोग हैं जो अभी भी नहीं समझ रहे भाई, आप राशन लेंगे तो क्या रोज़ राशन देने 4 बार जाएंगे? आप हफ्ते 10 दिन का राशन तो एक बार में ले ही आते हैं ना। तो ये मेरे को नहीं समझ आया कि लोगों में जो एक अपनी ओर से समझदारी आनी चाहिए, अब तो जनता कर्फ्यू लगना चाहिए, पुलिस के डंडे की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, पुलिस के चालान की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो अभी तो हम यही कह सकते हैं कि अत्यधिक संक्रामक है ये वायरस और इसके नंबर बढ़ते हैं। वहीं उत्तराखंड पुलिस के मुखिया अशोक कुमार ने SP टिहरी तृप्ति भट्ट की मुहिम मिशन हौसला को
पूरे प्रदेश में लागू करने का फैसला किया। मिशन हौसला में लोगों को मेडिकल मदद व आपात स्थिति में मदद मिलेगी। इसकी नोडल एजेंसी थाना होगा। थाना प्रभारी स्तर से ही सभी की अधिक से अधिक मदद हो सके यह तय करेगा। जो लोग किसी की मदद करना चाहते हैं तो वो भी सीधे अपने निकटतम थाने को दे सकते हैं। इतना ही नहीं, डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि टिहरी पुलिस का यह फॉर्मूला पूरे प्रदेश में लागू होगा। क्या था, मेरे पास जो सूचना आती है मैं इमीडिएटली एसटीएफ को भेजते हैं, उसमें सफलता भी मिल रही है। 94111 2780 का नंबर दिया था, एक शायद 94129536 भी दिया था, तो वो हाँ एक लैंडलाइन नंबर भी दिया है। तो हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं। मैं तो एक अपील ही कर सकता हूँ कि इतना बड़ा टाइम है और ऐसे में भी कुछ लोग हैं जो वृद्धों की तरह काम कर रहे हैं, तो ये उनकी इंसानियत लगता है मर गई है। क्योंकि ऐसे में तो आगे बढ़कर के लोग कितने लाखों लोग सहायता कर रहे हैं, किंतु कुछ 1-2% आदमी ऐसा है समाज का जो ऐसे कठिन दौर में भी अपनी आपराधिक गतिविधियों से बाज नहीं आता, तो उनको पकड़ेंगे ज़रूर। इवन बेड्स के मामले में भी कोई कहीं ना कहीं धोखाधड़ी या उसमें भी फ्रॉड की बातें सामने आ रही हैं, तो हमारी नज़रें हैं, पुलिस जो है ऐसे लोगों को छोड़ेगी नहीं। जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनके द्वारा जो है वो 113,977 चालान जो है मास्क नहीं पहनने पे किए हैं, 105,763 चालान सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं करने पर किए हैं, धारा 81-83 पुलिस एक्ट का उल्लंघन करने पे 6,352 चालान किए हैं और डिजास्टर एक्ट का उल्लंघन करने पे 268,000 किए अभी तक। कुल 2,26,466 लोगों पे कार्रवाई हुई है। कुल 3,73,00,000 जुर्माना वसूला गया है। ये दूसरी वेब की बात है 24 मार्च से, और 4,49,116 मास्क हमने बांटे हैं। ये हमारा कार्रवाई का वो है। जिला वाइज जो कार्रवाई है वो आपको ये दे देंगे नेगी जी, हमारे प्यारे साहब जो हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बांट देंगे। और आगे से डेली भी आप जो है नेगी जी से या मुकेश से डेली भी आप ले सकते हैं कार्रवाई का विवरण, ठीक है।